गाइस यहाँ पर लोग टेस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर पार्सल भी होने लगा। चार जगह लगता है पार्सल, चार जगह पार्सल है क्या मैम? खाना है, अच्छा खाना है, अभी पार्सल भी जाएगा। जौनपुर में अच्छा लग रहा है आपको आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल जौनपुरिया व्लॉग में सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मैम थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, लोग नाराज हो जाएंगे। राहुल जौनपुर व्लॉग में आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा नेपाली गर्ल क्यों कहते हैं आप लोग को, आपको सब लोग? तो हम नेपाल के हैं तो नेपाली गर्ल तो बोलेंगे। अच्छा आप नेपाल के हैं, वाह क्या बात है। तो नेपाल से बिहार कैसे आना हुआ आपका? बहुत लंबा कहानी है। क्या क्या है कुछ बताइए आप। अकेलापन, लतखोर, पलंग तोड़, मियाँ बीबी, लैला मजनू, दोगलापन, मतलब हर प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पर मिलेगा चिका लिट्टी। हर प्रकार का नहीं, मतलब नाम ही अलग अलग है। और गाइस जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैम आ चुकी हैं और हम कब से घंटों से इंतजार कर रहे थे। हेलो जौनपुर, जौनपुर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपने जौनपुर में चिका लिट्टी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज चिका लिट्टी का बहुत ही ग्रांड ओपनिंग होने जा रहा है अपने जौनपुर सिटी में, वो भी सबसे फेमस प्लेस पर सद्भावना पुल के पास, जहाँ पर आपको सबसे लजीज लजीज आइटम देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बिहार से मैम आ चुकी हैं, एंट्री हो चुका है। देख सकते हैं मैम एकदम जो है आ चुके हैं बिहार से अपने जौनपुर सिटी में। तो मैम एकदम समझ लीजिए बिहार में तो छाई थी, अपने यूपी में एकदम छाने वाली हैं। और गाइस तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैम यहाँ पर आ गई। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैम आ चुकी हैं। अब मैम के प्यारे प्यारे हाथों से जौनपुर वासी आज खाने वाले हैं चिका लिट्टी। और मैम कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है जौनपुर में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है आप थक गई हैं? ना ना ना, थकी नहीं है ना। ए वाह क्या बात है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यार इतने लोग आ चुके हैं। और मैम आप बिहार से आ रही हैं? जी बिहार से आ रही हूँ। तो बिहार में आपका स्टॉल कितने दिनों से स्टार्ट हुआ है वहाँ से? डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गया। अच्छा तो जौनपुर में कितने घंटे लगे आपको आने में? छः सात घंटे लगे। तो जौनपुर में अच्छा लग रहा है आपको आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। चिका लिट्टी का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आए? मतलब कि बिहार में तो लिट्टी और चोखा फेमस है, ये तो सबको पता ही है। बिहार में चिकन और लिट्टी, मतलब कि लिट्टी और चोखा तो फेमस है, वो तो पता ही है सबको। तो एक लॉजिक था कि चिकन के साथ लिट्टी को ट्राई करें, तो ट्राई करते करते यहाँ तक पहुँचा, पता ही नहीं चला। अच्छा नेपाली गर्ल क्यों कहते हैं आप लोग को, आपको सब लोग? तो हम नेपाल के हैं तो नेपाली गर्ल तो बोलेंगे। अच्छा आप नेपाल के हैं, वाह क्या बात है। तो नेपाल से बिहार कैसे आना हुआ आपका? बहुत लंबा कहानी है। बहुत लंबा कहानी है। अच्छा तो अपने यहाँ क्या क्या आइटम है? अभी हमारे स्टोर में चिकन और लिट्टी मिलता है, उसके अलावा वही सलाद और ग्रेवी उसके साथ ही देते हैं। ये नाम आपका हम यूट्यूब पे सर्च किए थे, देखे थे, लतखोर कैसा नाम दे दिया आप? वो मेन्यू में अलग अलग सा नाम रखे, क्योंकि अलग सा मेन्यू होना चाहिए कि एक ही सेम तो मेन्यू था, जिसका भी होता है एक ब्रांड भी अलग और मेन्यू भी अलग। क्या क्या है कुछ बताइए आप। अकेलापन, लतखोर, पलंग तोड़, मियाँ बीबी, लैला मजनू, दोगलापन, मतलब हर प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पर मिलेगा चिका लिट्टी। हर प्रकार का नहीं, मतलब नाम ही अलग अलग है। अच्छा बिहार में तो छाई गई आप झारखंड में, तो क्या यूपी में पूरा छाने वाली है क्या आप? हम तो चाहते हैं पूरा इंडिया में छाए और पूरा इंडिया में खोले, और सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यही है बस। मैम आपका नाम क्या था, हम भूल गए? मेरा नाम है रक्षा थापा। तो आपको स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट की थी स्टॉल, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? बहुत प्रॉब्लम हुई ना, एक अकेली लड़की क्या ही कर सकती है, मतलब छोटा मोटा कर करके अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, और सोचे हैं कि पूरा इंडिया में फैलाए,
सब सबका प्यार और सपोर्ट का जरूरत है, वो देंगे हमको पता है, उम्मीद है। हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहती है आप? चिक्का लिट्टी ऐसा ब्रांड है कि आप लोग एक बार खाएंगे, टेस्ट करेंगे तो खाने का मन करेगा ही करेगा, और खोलेंगे और आपके लिए भी एक बिजनेस का पार्ट हो जाएगा ये, छोटा मोटा करके, मतलब एक दिन में पैसा नहीं हुआ, 100-200 रुपया हुआ वो भी पॉकेट में रखने का मिलेगा आपको। और होता है ना कि बड़ा बड़ा बिजनेस में पैसा नहीं आता है, ये नहीं आता है, और इसमें एक दिन में एक प्लेट बिका फिर भी पैसा तो हुआ ना। जब स्टॉल आप स्टार्ट की थी तो क्या आप अपना पैसा लगाए थे, घर वाले पैसा लगाए थे? वो तो मतलब छोटा मोटा करने के अपना ही पैसा लगाए थे, मतलब काम करते थे पहले, फिर अपने आप की। क्या क्या काम की थी? मोमोज बनाते थे। थैंक यू मैम। तो जौनपुर वालों को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या मतलब जौनपुर में आ गई हैं, तो जौनपुर वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं सब ज़्यादा जौनपुर के हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कि सबको फर्स्ट में तो सबको शुक्रिया। पहले आप जौनपुर का नाम लीजिए, जौनपुर का नाम लेकर जो कहना कहिए। जौनपुर वाले को दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि इतना सपोर्ट किए और जौनपुर अपना शहर में खोले आप मेरा फ्रेंचाइजी लेके, और इस मतलब कि सब है, इतना लोग है कि सपोर्ट कर रहे हैं कि आइए जल्दी और मेरे शहर में खोल दीजिए और दूसरा जगह भी खोलेंगे, ये सब बोले हैं, इसीलिए हमको बहुत खुशी मिल रहा है। अभी कितने जिलों में आपका ब्रांच हो गया होगा? अभी हुआ होगा 20-25 होगा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है, अब यहाँ पर रेडी हुआ, सब लोग टेस्ट करना स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है। क्या सर क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा, एक नंबर का। हमारा जिस दिन चैनल 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए उस दिन लड्डू खिलाएंगे पूरे जौनपुर को, मैम को भी बुलाएंगे। मैम आप आएंगी? आएंगी मैम। अरे जौनपुर वाले सब बट्टी बोलते हैं ना, दिक्कत ये है। अब आप आ गए तब लिट्टी सब बोलेंगे। क्यों भैया अभी आप ही बट्टी बोल रहे थे ना? नहीं भैया लिट्टी बोल रहे थे। लिट्टी बोल रहे हैं? बट्टी चौका साला फेमस है ये अपने जौनपुर का। जौनपुर में बट्टी चौका इसको बोलते हैं। तो देखिए पहला प्लेट हमारा लगा, देखिए जौनपुर का पहला आदमी कौन टेस्ट करने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सर समझ लीजिए नंबर एक पे हैं, सर नंबर एक पे टेस्ट करने। सर इधर सर को दीजिए, देखिए सर टेस्ट करने वाले हैं। सर का समझ लीजिए जौनपुर में एंट्री हुई, सर के हाथों द्वारा टेस्ट होगा, सर से भी हम रिव्यू लेने वाले हैं। सर देखिए टेस्ट कर रहे हैं, ओ सर भाग रहे हैं। सर रुकिए सर देखिए यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं जो इस कुछ इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा हमें लगता है। कैसा लग रहा है सर? बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं घंटे से खड़े थे, मतलब बिना खाए जाने वाले नहीं थे जी, तो बेसब्री से इंतजार किए, तो लगता है कि उस जी बहुत अच्छा टेस्ट है। तो अभी पहली बार ही लिट्टी चिक्का खा रहे हैं? नहीं बहुत बार खाए हैं, ये नए स्टाइल से बना हुआ है इसीलिए। नहीं मतलब अपने जौनपुर से बाहर खाए थे कि जौनपुर में खाए थे? नहीं जौनपुर में पहली बार बाटी लिट्टी, जौनपुर पहली बार खा रहे हैं जी। देख सकते इसी तरह से सब टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा हमारे सब्सक्राइबर को बोल दीजिए राहुल जौनपुरिया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। राहुल जौनपुरिया व्लॉग में सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मैं थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, लोग नाराज हो जाएंगे। राहुल जौनपुर व्लॉग में आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम ने बोल दिया यार आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जौनपुर वालों, बहुत दूर से आई थी मैम इसीलिए सब्सक्राइब करवाने के लिए।
कहाँ से आए भैया आप? जौनपुर की रहने वाले आप? कहाँ से हैं जौनपुर में? नईगंज से। अच्छा, तो कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत अच्छा है। टेस्ट अच्छा है। मतलब लग रहा है, मतलब पैसा वसूल है। तो अभी टेस्ट किए हैं तो लग रहा है टेस्ट कुछ अच्छा है। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो आइए भैया से पूछते हैं। और ये लड़का जो है बार बार कैमरे में आना चाह रहा है, तो इसको बका दे ले लें। यार देखो, लाइक करने को बोल दिए, चला गया। और भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है। टेस्ट कैसा लग रहा है भैया? अच्छा अच्छा। कहाँ से हैं भैया आप? ये जौनपुर से। जौनपुर से। तो ये जो चिका लिट्टी का कॉन्सेप्ट है ये बनाया गया है, तो आप इससे पहले भी कहीं टेस्ट किए हैं कि आज पहली बार टेस्ट कर रहे हैं? यार नया खुला, इसलिए पहली बार टेस्ट किए हैं। टेस्ट अच्छा लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से रेट है तो टेस्ट ठीक है अभी। ठीक है, कुछ खा नहीं। ठीक है भाई, जैसा कि आप गाइस, जैसा कि यहाँ पर रिव्यू ले लिए और आपको सब कुछ दिखा दिए, सो गाइस तो चलिए फटाफट टेस्ट करते हैं। और अब हम बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, क्योंकि हम भी पहली बार चिका लिट्टी खाने जा रहे हैं। सो गाइस, तो फाइनली अब हमें भी टेस्ट करना है, तो आइए फटाफट टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मैम यहाँ पर निकाल दिए हैं एक लेग पीस के साथ दो बाटी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना लजीज देखने में लग रहा है, और इसका वजन भी काफ़ी देखिए। तो भैया पैसा जिस प्रकार से आप देंगे तो वजन भी है उसे ठीक ठाक है, जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से बढ़िया लग रहा है देखने में। अब बाकी टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। और ये देखिए हमारी लिट्टी हो गई, बहुत ताबड़तोड़ लिट्टी है भाई। और ये देखिए भाई कैसे खा जाते, ठीक है, मतलब बट्टी के साथ आप जैसे चिकन खाते हैं वैसे ही टेस्ट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।